ज्वेलरी दी हुई है, जैसे गुजराती हाउस होल्ड में जो ज्वेलरी होती है टिपिकल, और हेयर स्टाइल से हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं रोज़, और पल्लू है हमेशा घर में. सो जैसे कि एक गुजराती फैमिली हाउस होल्ड का यू नो एक बहू होगी, बिल्कुल वैसा ही. ओके, हस्बैंड जो चाय वाला है, तो चाय कितना आप बना लेते हैं असल जिंदगी में, अगर हम बात करें? बनाते हैं असल में, मतलब? हाँ, ऑफ कोर्स मैं बनाता हूँ, अच्छी खासी चाय बना लेता हूँ. और यहाँ आने के बाद तो मैंने प्रॉपर ट्रेनिंग ली थी, प्रॉपर एक टपरी पे जाके मैंने सीखा था कि कैसे चाय को उछालते हैं, कैसे कस्टमर्स आते हैं उनके बीच में, कैसे अपने आप को यू नो मर्ज करके वो एक स्मूथनेस आती है ना हर चीज़ की, तो मैंने ट्रेनिंग ली थी उसके बारे में. तो अभी अच्छा खासा बना लेता हूँ, कभी आओ हमारी टपरी पे चाय की दुकान. मैम आपने पी है क्या असल में, मतलब रियल में? नहीं, कभी नहीं. नहीं बनाई इसने? नहीं बनाई? नहीं. वेरी बैड, आपको बनाना चाहिए एक दिन. चार्ज करता है बनाने का. हां, बनाना चाहिए आपको एक दिन, मतलब असल में पिलाना चाहिए मैम को. हाँ, मैं बनाऊंगा किसी दिन अपनी शॉप की बना दूंगा. सब कुछ इतना मसाला. हम शाम को पिला तो रहे हैं 6:30 बजे रोज शाम को, और क्या, बहुत मसाले के साथ. ओके, अगर हम चलिए चाय तो, लेकिन कभी लंच करते कि नहीं, कि आप लोग पूरे दिन डाइट में ही रहते हैं, मतलब डाइट लंच इंच करते कि चाय, मतलब घर से आप लोग खाना लाते हो? अकेला रहता हूँ, खाना वाना ऊपर नीचे हो जाता है. हाँ, ये मेरे कोस्टर, इनका ही खाना, इनका ही लंच होता है जो होता है. सबसे पूछता हूँ क्या क्या लेके आए, एक प्लेट मेरी भर जाती है, तो रुक्मिणी जी जो भी आती है मुझे पता है कुछ ना कुछ अमेजिंग लेके आती है. तो अगर आप कुछ चीट मील खाने का भी दिल कर रहा हूँ, ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हेल्दी होती हैं वो सारी इतनी टेस्टी, तो मैं रुक्मिणी को पूछता हूँ, मेरा खुशी मंगा क्या लेके गया आज. तो आज भी इसने लंच के टाइम पे मैंने पूछा मैं क्या है तुम्हारे पास, इसने दिए काफ़ी सारे भर के. क्या 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 दिया मैम, क्या खाया? तो दिया था चिकी. चिकी? मुझे चिकी दी चिकी ने. और उसके अलावा इसने पीनट्स दिए थे, पर दिखने माना हेल्दी थे बट बहुत ही हेल्दी थे. डेली कुछ ना कुछ अलग खिलाती, चिप्स टाइप में भी लेके आती है, आज नहीं लेके आई थी, मैं एक्साइटेड था कि आज इसके बैग में मिले, बट आज नहीं मिला मुझे. आया तो ढूंढ तो रहा था, मैं छुपा तो नहीं रही कहीं. बट या शी कीप्स वेरी हेल्दी फूड, वो अपने कोएक्टर्स को देती रहती है. ओके, होली आने वाला है, होली के लिए क्या कहना चाहिए अपने फैंस से, क्योंकि मुंबई में बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट किया जाता है, डांस किया जाता है, मज़ा किया जाता है, क्लब में जाया जाता है, पार्टी होती है बहुत बड़ी एक्टर्स की, तो कुछ आप बताना चाहेंगे क्या आप लोगों का कोई प्लान है पार्टी करने का कुछ, अगर आप बता सकें? हमने टिकट बेच रहे हैं, हम हमारे सेट पे एक पार्टी प्लान की है, होली पार्टी, इसकी टिकट हम सेल आउट कर रहे हैं, रुक्मिणी जी का नंबर दे रखा है, भर भर के टिकट आए. तो ये प्लान है अभी तक का होली का, होली पे यहाँ पार्टी कर रहे हैं, तो आओ कभी. और इसे स्पॉन्सर कर रहे हैं श्री सुमेध जी. यस, चाय पिलाएंगे आपको. अरे भांग मिला के, भांग पिया आप लोगों ने कभी? भांग मैंने किया था, पर कुछ उसमें ऐसा कुछ लगा नहीं, लगा नहीं, लगा नहीं, 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 नहीं. आखिर में फैन से क्या कहना चाहिए आप अपने शो को लेकर, और होली की एक विश दे दीजिए आप? सो गाइस, Here's wishing you a very, very, very happy Holi from my side and Navneet's side. And जिस तरह से होली का महत्व ये होता है कि ज़िंदगी को कलरफुल बनाना, वैसे ही हम भी अपने शो के थ्रू आपकी लाइफ को कलरफुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं. सो प्लीज़ जॉइन अस इन दैट. एंड सो आई विश यू वेरी 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 हैप्पी होली. सेफ रहो, जितना पानी का सेव कर सकते हो पानी सेव करो, अपने फैमिली के साथ जितना टाइम स्पेंड कर सकते हो. और रोज़ तो हम मेहनत कर ही रहे हैं, रोज़ शाम को 6:30 बजे आके उससे पहले अपनी होली की जितनी पार्टियाँ हैं ख़त्म कर लेना, आधे घंटे के लिए निकाल लेना टाइम. और रुक्मिणी जी और हम आई थिंक कल और परसों खेलने वाले हैं होली, ताकि हम होली वाले डे को हम जो टेलीकास्ट दिखाने वाले हैं बहुत ही कलरफुल. आई थिंक सो, वैसे भी हमारा घर तो रोज़ होली जैसा ही लगता है, इतना कलरफुल है, कपड़े भी हम इतने कलरफुल रहते हैं, तो मुझे पता नहीं रंगों से और ज़्यादा हम कलरफुल हो जाएंगे. और या बी सेफ,
होप हमारी मेहनत रंग लाए, प्लीज कीप वॉचिंग आर शो, हम लोग बहुत बहुत मेहनत कर रहे हैं. सो या होली के कलर्स के साथ ये मेहनत भी रखते हैं. ओके, सबसे पहले बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, शो बहुत आपका पसंद किया जा रहा है और जो जोड़ी आप दोनों की केमिस्ट्री भी बहुत पसंद की जा रही है. क्या कहना चाहेंगे, जब आप दोनों एक साथ जब ये शो कर रहे थे तो आपको लगा था कि केमिस्ट्री पसंद की जाएगी आप दोनों की? आपको लगा? मुझे हमेशा लंबे बालों वाली धर्म पत्नी चाहिए थी. और ये बिल्कुल वैसी है जैसे मैंने अपने सपने में सोचा. ये सुमन बोलता है. बट थैंक यू एवरीवन इतना प्यार देने के लिए. हमें बहुत बहुत प्यार मिल रहा है. जैसे ही रुक्मिणी हमारे घर में शादी हुई हमारी, और जिस तरीके से लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं हर चीज़ को, हर ट्रैक को, जैसे भी आगे बढ़ रहा है, तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच. और ऐसे प्यार देते रहिए, आगे हम स्टोरी को बढ़ाते रहेंगे. बहुत सारे ट्विस्ट आने वाले हैं, देखते रहें. आई फील कोई भी केमिस्ट्री बिल्ड करने के लिए बहुत मेहनत जाती है, स्पेशली बिकॉज जो ऑडियंसेज है वो जल्दी 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 अडेप्ट नहीं करती है. उनके दिमाग में कुछ ना कुछ फिट रहता है पहले से. एंड स्पेशली ये शो जो है, हमने इसमें बहुत ज़्यादा रुक्मिणी और सुमेध की तरफ से बहुत ज़्यादा सादगी, बहुत ओल्ड स्कूल प्लस न्यू स्कूल, बहुत चीज़ें मिक्स की हुई है. सो इट इज़ वेरी वेरी प्योर काइंड ऑफ लव आई वुड से. तो आई एम ग्लैड कि विद द ग्राफ ऑफ द स्टोरी द ऑडियंसेज लाइक द केमिस्ट्री सो मच, द शो सो मच. एंड मैंने आपके एडिट्स भी देखे, दे वर ब्यूटिफुल एंड लवली. और देर आर सो मैनी ट्विस्ट कमिंग अप. अभी भी कितनी सारी चीज़ें स्टोरी के बारे में जो मुझे अब खुद भी नहीं पता है, मैं स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद पता चलती है. तो there are many things coming up and thank you so much for loving us. जो कॉस्ट्यूम भी है, जैसे कि आपकी साड़ी है, काफ़ी बहुत ही सुंदर साड़ी दी जाती है जो फैंस को मतलब पूरी तरह से पसंद आती. क्या कहना चाहेंगे, मतलब पूरी हेयर स्टाइल हो, मेकअप हो, बहुत बेहतरीन होता है उस पर. आप क्या कहना चाहेंगे शो के अंदर? आई थिंक रुक्मिणी को तो जैसे एक सादगी की मूर्त टाइप का एक लुक है. एंड इट हैज़ टू बी कम्प्लीटली इन कॉन्ट्रास्ट विद जो ITS ऑफिसर रुक्मिणी वाला जो एक फेस था. तो अच्छा है, मतलब ब्यूटिफुली ड्रेप्ड, बहुत ही सारी साड़ीज मेरी एम्ब्रॉयडर्ड है. एंड दे हैव बीन क्रिएटेड बाय रूपा एंड स्टाइल्ड बाय वन सेकंड जस्ट गिव मी अ मोमेंट. क्या नाम है उसका, प्लीज कर देगा. लेकिन पार्ट हो गया. आई एम टेकिंग दिस अगेन.